हेलो गैज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी गाइज आज हम डिस्कस करेंगे इसका फोल्डिंग के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका फोल्डिंग क्या होता है इसका फोल्डिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसका फोल्डिंग रिलेटेड क्या क्या हैजर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं टाइप्स ऑफ इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग कितने तरह के होते हैं इसके टाइप्स कितने हैं एंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जब भी हमें इसका फोल्डिंग का एरेक्शन करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कौन कौन से हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना है जैसे कि टॉप रेल का हाइट कितना होगा मिडल का हाइट कितना होगा और किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा इसके बारे में जानेंगे इसका फोल्डिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये एज पर ओसा थ्री वन फाइव जीरो शेयर कर रहा हूँ ओसा थ्री वन फाइव जीरो स्टैंडर्ड है इसका फोल्डिंग के लिए तो ये वीडियो इसी पे बेस्ड है तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं स्काफोल्ड स्काफोल्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्काफोल्ड इज एन एलिवेटेड टेम्प्रोरी वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज टू सपोर्ट मेन मटेरियल एंड टूल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क एट हाइट मोर देन 1.8 मीटर यानी स्काफोल्ड एक टेम्प्रोरी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज करते हैं मेन मटेरियल और टूल्स को सपोर्ट करने के लिए कब जब भी हम वन मीटर से वॉक कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क या मेंटेनेंस वर्क करते हैं तब हजार्स एंड प्रिकॉशंस इन स्काफोल्डिंग अभी हम जानेंगे स्काफोल्डिंग में क्या क्या हजार्ड हैं क्या क्या खतरे हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या प्रिकॉशंस सावधानी ले सकते हैं तो स्काफोल्डिंग में कॉमन हैजार्ड है फॉल ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति के हाइट से गिर जाना जब भी कोई व्यक्ति हाइट पे वर्क कर रहा है कोई वर्कर इसका फोल्डिंग पे वर्क कर रहा है तो वहाँ से वो फॉल हो सकता है गिर सकता है फॉल ऑफ मेटेरियल अगर स्काफोल्डिंग के समय कोई वर्क हो रहा है या इसका फोल्डिंग एरेक्शन हो रहा है तो मेटेरियल फॉल कर सकता है थर्ड है कोलेप्स ऑफ स्काफोल्ड अगर स्काफोल्ड का स्ट्रक्चर सही नहीं है मेटेरियल सही नहीं है तो स्काफोल्ड कोलेप्स कर सकता है फोर्थ है इम प्रॉपर एक्सेस यानी आने जाने का रास्ता अगर सही नहीं है ये भी एक हजार्ड है फिफ्थ है ओवर हेड पावर लाइन्स अगर किसी भी इसका के ऊपर पावर लाइन जा रहा है एव हेड तो हमारा हजार्ड एक खतरा है हजार्ड्स और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सबसे पहला है प्रॉपर पर्सनल फॉल अरे सिस्टम जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस लाइफ लाइन एंकरिंग पॉइंट ये सब सही होना चाहिए सेकेंड है एवॉयड लूज मटेरियल ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म जो भी आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लूज मटेरियल नहीं रखना है ताकि वो गिरे ना गिरने से बचे किसी को चोट ना लगे थर्ड है एडुकुएट गार्ड रेल सिस्टम जो भी टॉप रेल मीटरियल टॉप बोर्ड है ये आपका एडुकेट होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए यूज साउंड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल एंड ग्राउंड शुड बी स्ट्रांग जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए और जो आपका ग्राउंड है इतना स्ट्रांग हो कि जो स्काफोल्डिंग का लोड है उसे संभाल सके बियर कर सके नेक्स्ट है इंगेज कम्पिटेंट पर्सन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग जो भी आप एरेक्शन का वर्क करें स्काफोल्डिंग का या डिसमेंटल का वहाँ पर कम्पिटेंट पर्सन को इंगेज करना है और उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है सिक्थ है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस प्रॉपर आपके पास एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए मेंटेन सफिशियंट स्पेस और डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन्स जो भी ओवर हेड पावर लाइन से उनसे पर्याप्त दूरी बना के रखना है टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड ओसा के अकॉर्डिंग स्काफोल्ड के टेन टाइप्स हैं दस प्रकार के हैं जो कि अभी हम जानेंगे सबसे पहला है एरियल लिफ्ट जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं एरियल लिफ्ट एक व्हीकल माउंटेड प्लेटफॉर्म है सेकेंड है बोर्ड्स चेयर जो कि फिगर में देख पा रहे हैं इस स्काफोल्ड से इस प्लेटफॉर्म से आप नॉर्मल वर्क कर सकते हैं जैसे कि पेंटिंग क्लीनिंग नेक्स्ट है कैटेनरी स्काफोल्ड जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं इस स्काफोल्ड में एक ब्रिज की तरह प्लेटफॉर्म रहता है टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म जो कि वायर से हैंग रहता है नेक्स्ट है क्रॉलिंग बोर्ड जिसे हम चिकन लेटर भी बोलते हैं ये आप देख पा रहे हैं जो प्लेटफॉर्म है जो वुडन प्लेटफॉर्म है ये क्रॉलिंग बोर्ड है ये भी एक तरह का स्काफोल्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं स्लोपिंग रूफ पे फ्लोट स्काफोल्ड इसे आप सस्पेंडेड स्काफोल्ड भी बोल सकते हैं जो कि आप फिगर में देख रहे हैं लेडर जैक स्काफोल्ड यह फिगर में देख रहे हैं जिसपे लेडर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसे आप जैक से एडजस्ट कर सकते हैं एवोप और डाउन निडल बीम स्काफोल्ड आप ये फिगर में देख पा रहे हैं ये निडल बीम स्काफोल्ड है इसमें आप एक बीम से सपोर्ट लेते हैं और एक तरफ से आप हैंग करके रखते हैं इसको इसे हम बोलते हैं निडल बीम स्काफोल्ड सेकेंड है सेल्फ कंटेंट एडजस्टेबल स्काफोल्ड इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके हाइट को नेक्स्ट है सिंगल और टू पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड जो कि फिगर में देख पा रहे हैं ये स्काफोल्ड टू पॉइंट से सस्पेंडेड है तो इसे हम टू पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड बोलेंगे अगर एक पॉइंट से होता है तो सिंगल पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड बोलते हैं लास्ट है सपोर्टेड स्काफोल्ड जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यह है सपोर्टेड स्काफोल्ड स्काफोल्डिंग रिक्वायरमेंट सो एज़ पर ओसा स्टैंडर्ड स्काफोल्डिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अभी हम जानेंगे सो एज पर वन नाइन टू सिक्स फोर फाइव वन जी वन जो भी अगर इम्प्लॉइज है या वर्कर है किसी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो कि टेन फीट अबॉव है ग्राउंड लेवल से अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए गार्ड रेल या फॉल अरे सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है नेक्स्ट एज पर वन नाइन टू सिक्स फोर फाइव वन जी फोर सेकेंड जो टॉप रेल का हाइट होगा वो 48 एट इंच टू फोर्टी इंच होगा यानी 0.9 मीटर टू 1.2 मीटर नेक्स्ट एज पर वन नाइन टू सिक्स फोर फाइव वन जी फोर फिफ्टीन जो भी हम टॉप रेल के लिए अगर क्रॉस ब्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाइट होगा 38 एट इंच टू फोर्टी इंच जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ब्रेसिंग यूज़ किया गया है टॉप रेल के जगह पे के, तो इसका जो हाइट होगा थर्टी इंच से लेकर फोर्टी इंच तक होगा नेक्स्ट एज पर वन नाइन टू सिक्स फोर फाइव वन जी फोर जो मिड रेल होगा वो टॉप रेल के हाफ पे होगा नेक्स्ट एज पर वन नाइन टू सिक्स फोर फाइव वन ए वन एंड थ्री जो भी इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जो कि इसका फोल्डिंग में यूज हो रहे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी इसका फोल्डिंग का लोड है या जो भी उस पर लोड रखा जाएगा उसका फोर टाइम्स लोड इसका फोल्डिंग कम्पोनेंट बियर कर सके संभाल सके और अगर सस्पेंडेड इसका फोल्ड है तो सिक्स टाइम्स संभाल सके ओसा के अकॉर्डिंग स्काफोल्डिंग के और भी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि ट्रेनिंग इंस्पेक्शन इन सभी के बारे में जानने के लिए मैंने एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ओसा थ्री वन फाइव जीरो का पी और रीड कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें